वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा डिस्कशन होगा कि हमारे दिमाग की या हमारे माइंड की पावर्स क्या हैं या ये कितना पावरफुल है ना। तो सबसे पहली चीज़ समझने वाली है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो है ना वो हमारा दिमाग ही है, और इस दुनिया की सबसे स्टूपिड जो चीज़ है ना वो भी हमारा दिमाग ही है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि आप किसी बहुत ठंडी सी जगह पर चले जाएं अंटार्कटिका में और अपने दिमाग को आप उधर बैठ के बर्फ़ के अंदर बैठ के आप एक चीज़ सोचना शुरू कर रहे हैं कि आप जो है ना मतलब बहुत गर्म जगह पे बैठ गए हैं। ये एक्चुअली में लोग करते रहे हैं, जो लोग वहाँ पर मतलब समटाइम्स सर्वाइव कर, आपने कई लोगों को देखा जो स्टंट्स करते हैं, वो बर्फ़ वाले पानी के अंदर चले जाएंगे सारा कुछ। तो वो बेसिकली अपने दिमाग के साथ एक छोटी सी मेडिटेशन आप उसे कह सकते हैं, वो इतना फोकस करते हैं अपने दिमाग के ऊपर कि वो किसी गर्म जगह पर हैं। लिटरली आप मानेंगे नहीं कि आपको कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो इतना अपनी बॉडी को कन्विंस कर लेते हैं अपने दिमाग से कि वो किसी गर्म जगह पे हैं कि उनको बर्फ़ के अंदर पसीने आ रहे होते हैं। अगेन उनके दिमाग की वजह से, वो दिमाग आपके जिस्म की हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। आपका जिस्म के अंदर ब्लड फ्लो जा रहा है, वो एक बड़ा जैसे कह रहे हैं ना कि टू द पॉइंट जा रहा होता है, ज़्यादा नहीं जा रहा होता, कम नहीं हो रहा होता, सारा कुछ कंट्रोल आपका दिमाग कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपका दिमाग आपके हल्का सा काबू में आना शुरू होता है ना, जिसकी एक मैंने मिसाल दी है आपको, और यही नहीं, अब एक बड़ी कहते हैं एक और चीज़ है जिसे बोलते हैं टेलीपैथी। अब टेलीपैथी बेसिकली वेरी डूएबल थिंग। आप अब इवन के कहते हैं सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि कहा जाता है कि डॉल्फिन्स भी जो है ना एक दूसरे कम्युनिकेट जो करती हैं वो शायद टेलीपैथी यूज़ करती हैं वहाँ पर। तो इसी तरह जो हमारा दिमाग है ना, ये दूसरी जगह पे अपना पैगाम पहुँचा सकता है और कहते हैं कम्युनिकेट कर सकता है। सिर्फ यही नहीं कर सकता, अब जिस तरह प्रॉपर कोई साइकाइट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट आई डोंट नो, तो वो सामने जब कोई उनके सामने मरीज़ आता है तो उसकी आप अपने याददाश्त के अंदर, क्योंकि हम बड़े मैकेनिकल होते हैं, हमारी याददाश्त बड़ी मामूली सी होती है ना, मैं आपसे पूछूं कि आप पिछले साल के फरवरी की 5 तारीख को क्या कर रहे थे, आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। पता नहीं मैं क्या कर रहा था, हालांकि आपने वो ज़िंदगी जी है, सब कुछ हुआ है, पर आपको नहीं याद कि पिछले साल की फलां डेट पे आप क्या कर रहे थे। आपको वो पूरा दिन गायब है, पूरा के पूरे ज़माने हमारे, अभी आप गौर करके देख लें दिमाग, आपको पूरे के पूरे ज़माने बिल्कुल नहीं याद होंगे कि 2016 के अंदर 6 जनवरी को आप क्या कर रहे थे। नो क्लू, ब्लैंक। पर जब कोई आपके साथ वो टेलीपैथी के साथ आपसे कोई जब आपको जैसे कहते हैं हिप्नोटाइज करके जब आपसे वो कोई साइकोलॉजिस्ट आपसे या साइकाइट्रिस्ट आपसे उगलवाना होगा कुछ, तो आप उस दिन का टेम्परेचर भी बताएंगे कि सूरज निकल रहा था या बारिश हो रही थी और मैं फलां जगह बैठा था फलां, इसके अंदर सब कुछ फिट हुआ होगा। अगेन हमें इसके साथ वर्कआउट करना नहीं आता अपने दिमाग के साथ, और जो लोग करते हैं वो बड़ी सुपर हीरो एक किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इसी तरह ही वो, मैं थोड़ी अर्सा पहले देख रहा था नेशनल जियोग्राफिक पे एक प्रोग्राम था ब्रिथेरियंस के ऊपर ना, तो जो ब्रिथेरियंस होते हैं ना वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं खाते, कुछ खाते पीते ही नहीं है। वो बड़ा हेल्दी सा लड़का था, उसका नाम था शायद करबी समथिंग ना, करबी, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं उसे। तो वो क्या करता था कि
6 महीने बाद थोड़ी सी इतनी सी ब्रेड खा लेता था बस। वो कहता था मैं बीमार भी नहीं होता क्योंकि हमारी बीमारियां जो हैं वो खाने की वजह से हैं। अच्छा, उसे कहा कि तू अपनी सारी एनर्जी की जैसे लेता, कहता है मैं सूरज से लेता हूँ अपनी सारी एनर्जी। तो इन लोगों को ब्रेथेरियंस बोलते हैं, और ये लोग अब तो काफ़ी वर्क भी करते हैं इसके ऊपर ना, कहते हैं ओबेसिटी के लिए, कि लोग बहुत ज़्यादा जहाँ पे खा रहे हैं तो उनको वो सिखाने के लिए ना। पर अगेन वो सब कुछ जो भी कर रहे होते हैं वो अपने दिमाग के थ्रू ही कर रहे होते हैं, वो अपने दिमाग को इतना ट्रेन करते हैं कि उसके थ्रू वो वर्क करना शुरू हो जाता है, कि वो एनर्जी अब्जॉर्व करना शुरू हो जाता है, सूरज से एनर्जी ले रहा है वो। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो अगेन दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है अगर हम उसको सही यूटिलाइज कर लें। दुनिया की हर चीज़ इसी ने बनाई। आज जितनी डेवलपमेंट देखते हैं, जहाज से देख न्यूक्लियर बम्स तक, जो कुछ आप देखते हैं सब कुछ इसने बनाया। मैं क्या इंटेलिजेंट डिवाइस ये खुदा ने बनाई हुई है, और आगे न जाने इसने आने वाले वक्तों में और क्या का कुछ निकालते रहना। अजीबोगरीब भेद, एक ऑलमोस्ट जादुई दुनिया हमने क्रिएट कर लिए। वो टीवी सा है बक्सा, उसके अंदर वो सारे मोशन आ रहे हैं, आप पता नहीं कहीं और लोग कुछ कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो इट्स लाइक अ मैजिक। या आप लोग इधर बैठ रहे हो, मैं कभी कब की वीडियो बनाई होगी, वो सारी दुनिया देख रही होगी, जो लोग भी देखेंगे, काइंड ऑफ मैजिक। और वो सारा कुछ यहीं से जा रहा है। आइंस्टाइन ने वो जो ब्लैक होल था, उसको आज से सदी पहले, आई डोंट नो किस तरह उसने वो जो कुछ उसने बोला वो ऑलमोस्ट उसी तरह ही लग रहा है। उसने जो थ्योरीज दी वो आज जाके वो गॉड पार्टिकल सारा कुछ साबित होता है। तो इसी तरह ही अब हम देखें कि ये जो कायनात है हमारी, ये दुनिया वर्क किस तरह करती है, सूरज की कि गिर दुनिया घूम रही है इर्द गिर्द। सबसे पहली दफ़ा ये किसी माइक्रोस्कोप से नहीं था देखा गया। इवन के गैलीलियो जो था उसने भी वो उस पर किया ना, रेत पे निशान लगा के उसने वहाँ से बोला था कि जी इस तरह सीन है। अब उसे अब एक और आपको वो मुझे गेन नाम मिल गया उस लड़के का, जिसने सबसे पहली दफ़ा इस कायनात का सारा वर्क देखा था ना, उसने ख्वाब में देखा था। उसने ख्वाब कुछ ऐसा देखा था कि मतलब वो सो रहा है, उसने देखा सामने एक पर्दा लगा हुआ है, और उसने वो पर्दा उठाया सामने कायनात। तो उसने जो जो कुछ बताया था वो एग्जैक्ट हूबहू बाद में उस तरह साबित हुआ। इसकी मैं डिटेल आपको बाद में कभी किसी दिन बताऊंगा, क्योंकि मेरे इस टाइम ना वो बंदे का नाम दिमाग में नहीं आ रहा। बट अगेन पॉइंट इज कि आपका दिमाग क्या कुछ कर सकता है, सुपर डिवाइस है। अब ये दुनिया की सबसे स्टूपिड चीज किस तरह है? अब स्टूपिड चीज ये इस तरह है कि आप इसको जिस मर्जी चीज पे लगा लें, और सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया चाहे इसको जिस मर्जी चीज पे लगा ले, और जितना इसका यूज गलत किया जाता है इसकी वीकनेसेस का। छोटी सी एग्जांपल, आप अपनी लाइफ के अंदर मोस्टली ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, और आपकी ज़ात को भी ज़रूरत नहीं है, पर ये आपका माइंड आपसे करवाता है, और माइंड का कसूर नहीं है इसके अंदर, ये स्पॉइल्ड इतनी जल्दी हो जाता है। स्पॉइल्ड बार बार आपके अंदर एक कोई चीज़ दिखाई जा रही है, फलां साबुन फलां साबुन फलां साबुन फलां साबुन फलां सर्फ फलां चीज़ खाना फलां बर्गर। अब आप जब किसी स्टोर में जाते हैं ना, आपको जैसे वो चीज़ नज़र आती है आप उसको पकड़ लेते हैं, ये हिप्नोटाइज बड़ी जल्दी होता है, ये प्रॉपर हिप्नोटिज्म होता है आपके साथ। बिल्कुल उसी तरह ही आपका ये दिमाग जहाँ पर बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें कर रहा होता है, तो क्या ये एमिनेशन हमने बनाए होते हैं, कत्लेआम ये सारा कुछ आपका दिमाग ही कर रहा है, क्योंकि स्टूपिड हरकतें करता है ये बहुत जल्दी, और आप स्पॉइल्ड हो जाते हैं चीज़ों को। सबसे पहले लोग स्पॉइल्ड होते हैं लालच के पीछे,
बड़े बड़े स्टेट्स हैं, बड़े बड़े जो जो ऊपर बैठे हुए हैं, असला बनाने वाली कंपनीज हैं, जो भी हैं ऊपर बैठे हुए, इलीट या 1% जिसको हम बोलते हैं, पहले वो अपने दिमाग की गुलामी में, पैसे के और इस सब चीज़ों के नशे में पागल हुई है, इकट्ठा करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। फिर वो हमारे दिमागों से खेलते हैं, हमें वो वार्स लड़वाते हैं, हमें वो स्टूपिड चीज़ें खिलाते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, और सिवाय बीमारियों के हमें कुछ नहीं मिलता। हमारा पूरा फार्मास्यूटिकल सब तबाह करके रख दिया इन्होंने। इंसान को एज अ प्रोडक्ट देखते हैं, और इंसान एज अ प्रोडक्ट यूज़ भी हो रहा होता है। अगेन क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग की उस वीकनेसेस के साथ खेलते हैं, क्योंकि आप दिमाग को जब खुला छोड़ देते हो ना, तो ये इस तरह की स्टूपिड हरकतें करता है, हिप्नोटाइज्ड होता है ये। क्रिटिकल थिंकिंग शुरू करें, आपको अंदाजा होगा आहिस्ता आहिस्ता आपका जो दिमाग है वो आपके अपने काबू में आना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप इससे कोई और चीज जिसको आप कह सकते हैं कि कमांड अपने दिमाग के ऊपर रखना, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी सुपर पावर आपके हाथ में है। क्योंकि ये जब तक आजाद फिर रहा है, आप इसको बिल्कुल, आप एज अ प्रोडक्ट इसको जाया कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट करना सीखेंगे आप जब भी आपके ये कमांड में आएगा, देखना शुरू करें इसको। खैर, आज की वीडियो को हम इधर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आपके इस बारे में कोई ख्याल आता हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।